जिले के सभी 9 जनपद कार्यालयों जनपद सीईओ आज से कलमबद्ध हड़ताल पर हैं तथा इनके द्वारा सभी जनपद कार्यालयों में ताले जड़ दिए गए। दरअसल बीते कल सिरमौर जनपद एसके मिश्रा पर जानलेवा हमला हुआ था। करीब 15 की संख्या में आए बदमाशों ने सीईओ पर हमला कर बेरहमी से पिटाई की थी। हमले के ठीक एक घंटे पहले सिमरिया से भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी और हमले में घायल हुए जनपद सीईओ के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें बीजेपी विधायक ने सीईओ को देख लेने की बात कही थी, जिसके बाद हमले के शक की सुई बीजेपी विधायक की ओर घूम गई। हालांकि मामले में जब तूल पकड़ा तो पुलिस ने आनन फावनन में मामला दर्ज कर एक आरोपी की गिरफ्तारी की, जो कि बीजेपी विधायक का करीबी बताया जा रहा है। आपको बता दें, बीजेपी विधायक के गले की फांस बना वायरल ऑडियो। हमेशा अपनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहने वाले रीवा के सिमरिया विधानसभा से बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी का एक और ऑडियो बीते कल सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसके बाद वह ऑडियो अब बीजेपी विधायक के गले की फांस बनता दिखाई दे रहा है। दरअसल मंगलवार की दोपहर सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी का एक ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा था। वायरल ऑडियो में सिमरिया विधायक द्वारा सिरमौर जनपद के सीईओ एसके मिश्रा को धमकी भरे लहजे में देख लेने की बात कही गई थी। ऑडियो वायरल होने के तकरीबन एक घंटे बाद ही सिरमौर जनपद सीईओ एसके मिश्रा पर 15 की संख्या में आए बदमाशों ने अचानक से हमला कर दिया। हमले में जनपद सीईओ बुरी तरह घायल हो गए। बाद में जनपद सीईओ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरमौर ले जाया गया। अस्पताल में भर्ती घायल सीईओ से मिलने जिला पंचायत सीईओ भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था। वहीं अस्पताल पहुंची जनपद अध्यक्ष रवीना साकेत ने कहा था कि अगर जल्द आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जाता तो उनके द्वारा सभी जनपदों में ताला जड़कर काम बंद हड़ताल की जाएगी। पूरे मामले ने जब तूल पकड़ा तो पुलिस ने आनन फानन में धारा 307 के अलावा विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी विवेक गौतम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज से जिले के सभी 9 जनपद के सीईओ कलमबद्ध हड़ताल पर चले गए और जनपद कार्यालयों में ताला जड़ दिया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। उनका कहना है, जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक उनके द्वारा किसी भी तरह का कार्य नहीं किया जाएगा। कल हमारे साथी सीईओ श्री एस के मिश्रा सिमरिया सिरमौर जनपद में, वहाँ पे उनके साथ मारपीट हुई। इसी मारपीट के विरोध में हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हम लोगों ने एक आज से कलमबंद हड़ताल भी शुरू कर दी है। जब तक दोषियों पे कार्रवाई नहीं हो जाए तब तक हम लोग ये हड़ताल जारी रखेंगे। इसी संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय को हम लोग ज्ञापन देने आए थे। मांगे यही है कि दोषियों पे कार्रवाई हो जाए और अतिशीघ्र गिरफ्तारी हो जाए और हम लोगों को सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराई जाए। नहीं, अभी तो जो मारपीट हुई है, जो हमारे सीईओ साहब ने जो बयान दिए हैं उसी आधार पर हमें भी कार्रवाई चाहते हैं। अभी जांच का विषय, आगे किसने षड्यंत्र किया, क्या हुआ, तो जांच का विषय। सुरेश कुमार मिश्रा सीईओ सिरमौर हैं। ये कल शासकीय कार करके वो लौट रहे थे। लौटते समय उनको 3-4 व्यक्तियों के नाम लिया, उन्हें सिद्धू शुक्ला, विवेक गौतम, विनय शुक्ला और उनके साथ 18-20 अन्य आदमी के साथ, उनके साथ दो गाड़ी रोक करके मारपीट की गई। उनमें चोटें आई थी। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस हॉस्पिटल गई और उनसे बातचीत करने के बाद मौके पर ही जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया है। धारा 147, 148, 149, 307, 353, 332, 341, 342, 294 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उनकी डॉक्टरी कराई गई है। वर्तमान में टीम लगी हुई है जो फुटेज और अन्य चीज़ों का कलेक्शन कर रही है। साइबर सेल भी जो है पुलिस अधीक्षक महोदय ने भेजा है, उस पर काम चल रहा है। आपको बता दें, एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी है। मामले पर एडिशनल एसपी अनिल सोनकर का कहना है कि सिरमौर जनपद सीईओ एसके मिश्रा पर कल हमला हुआ था, उनके द्वारा शिकायत की गई थी। उन्होंने विवेक गौतम समेत उसके अन्य साथियों के नाम पुलिस को बताए हैं। इनके अन्य कई साथियों ने मिलकर उन पर प्राण घातक हमला किया था। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के अलावा 307 का मुकदमा दर्ज किया है। एक आरोपी विवेक गौतम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की टीम अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
साथ ही सीईओ का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। ऑडियो वायरल मामले में भी विवेचना की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता।